हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूक्ष्म मास। आई एम महावीर, सूक्ष्म मास सेल्फ लर्निंग कोच। तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, कि लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। तो लॉग फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू, रीड इट लाइक लॉग ऑफ x बेस a, वेयर x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, और इन और लैंग्वेज वी कैन से द इनपुट, बिकॉज एक्स इज इनपुट ना। यहाँ हमारे एक्स क्या है, इनपुट, और आउटपुट क्या है, वाई। तो ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, बेस। ठीक है, तो ये डिफाइन कब होगा, तो वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए विल बी डिफाइंड व्हेन व्हेन द आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एंड द बेस शुड बी आल्सो पॉजिटिव, एंड द बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, तो ये तीन कंडीशंस है किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफाइन होने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका डोमेन क्या है, डोमेन का हमने मतलब क्या पढ़ा था, डोमेन क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वी आर गेटिंग अ डिफाइंड वाई। ठीक है, तो एक्स क्या क्या रखा जा सकता है इस फंक्शन में, इनपुट क्या क्या हो सकता है, दैट इज एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये इसका डोमेन है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू जी ओपन जीरो टू इंफिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, आर प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके डोमेन को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो गए। तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो आइए ग्राफ कैसा होता है। केस वन, ग्राफ के लिए भी अपन दो केस बनाएंगे। केस वन, जिसमें जो हमारा बेस है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, एंड दूसरा क्या, वन नहीं होना चाहिए। तो हमने केस वन को कंसिडर करा है कि बेस जो हमारा है जीरो से वन के बीच में, तब लॉग का ग्राफ कैसे होता है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया जिस लॉग का मुझे ग्राफ बनाना है। लेट सपोज बेस क्या होना चाहिए, जीरो से वन में। तो मैंने ले लिया एक लॉग एक्स बेस, हाँ बेस जीरो से वन में। तो किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, है ना, जिसमें एक्स और वाई हम लिखते हैं, एक्स और वाई की टेबल बनाते थे, एंड कुछ पॉइंट्स निकाल के फिर उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते थे। तो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हम यहां करेंगे। ठीक है, आप इसमें एक्स की वैल्यू वन रखिए, तो लॉग वन कितना आएगा, जीरो। अब एक्स की वैल्यू आप इसमें टू रखिए, तो लॉग टू बेस हाफ कितना आएगा, माइनस वन। अब आप इसमें लॉग एक्स की जगह रखो आप फोर, तो लॉग फोर बेस हाफ कितना आएगा, माइनस टू। सिमिलरली आप रखो हाफ, तो हाफ रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वन, और अब आप रखोगे वन बाई फोर तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, टू। ठीक है, तो अब हम इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं लॉग का। ठीक है, द ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस, अभी बनाते हैं। हाँ, तो एक्स की वैल्यू वन डालने, वाई की वैल्यू जीरो, ये पॉइंट। ठीक है, और एक्स की वैल्यू टू डालने, वाई की वैल्यू माइनस, मारे कम हो रही वैल्यू, डिक्रीज होती जा रही है। और एक्स की वैल्यू मैंने जब फोर करी, यहां पर कहीं आया फोर पे, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल रही मुझे, माइनस टू, और नीचे आ गया। मतलब ग्राफ है वो डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, अगर बेस जीरो से वन में होता तो ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस। और ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, वन कोमा जीरो। तो ये बेसिकली ग्राफ होता है लॉग का, व्हेन बेस इज जीरो टू वन। तो चाहे बेस हाफ हो, चाहे थ्री बाई फोर हो, तो ग्राफ का जो शेप है वो कुछ इसी टाइप से रहेगा, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, दूसरी जो चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, एक चीज तो ये है कि ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है। तो अगर अपन एक दो एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक एक्स वन है, दूसरी एक्स टू है, तो देखो यहां पर एक्स वन से ग्रेटर है कौन, एक्स टू। तो एक्स वन इनपुट देने पे, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे, आउटपुट क्या मिलेगा, लॉग एक्स वन बेस हाफ, और एक्स टू पे आउटपुट क्या मिलेगा, लॉग एक्स टू बेस हाफ। अब मुझे बताओ इनमें से बड़ा ग्रेटर कौन है, लोग एक्स वन बेस हाफ ग्रेटर है या लोग एक्स टू बेस ग्रेटर हाफ है। तो इनमें से बड़ा कौन है, एक्स वन वाला, ये वाला लोग बड़ा है। तो आपने क्या देखा यहां से, अगर ये कोई इनइक्वालिटी लिखी गई है, अगर आपको इस पे दोनों साइड लोग ऑपरेट करना है जिसका बेस लेस देन वन हो, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो ये चीज हमें समझने वाली थी, अगर आपको जब भी इनइक्वालिटी सोल्व करनी है तो साइन है इनइक्वालिटी का वो बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस वन से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन हम पलट देंगे।
है, और उसका रीजन क्या है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, यही रीजन है कि ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमें पलटना पड़ता है। अब देखते हैं जब बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो तब ग्राफ कैसा आएगा। केस 2, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, सेम टेबल बनाई, फिर हमने पॉइंट्स निकाले और सेम चीज हमने इसमें करी, जो कि हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हमें ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। तो हमने ग्राफ जब ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से मिला, ठीक है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है और वो बहुत जगह पे आपके यूज होगा। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है वो 1,0 ही होता है। तो ये आपका लोग का ग्राफ होता है जब बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो लोग एक्स बेस 2, तो ये आपका लोग का ग्राफ हो गया। इसमें अगर देखा जाए, अगर आप इसमें भी दो पॉइंट लो, एक्स वन और एक्स टू, ठीक है, लेट सपोज मैंने ले लिया एक्स वन यहाँ है और एक्स टू यहाँ पर है, ठीक है, तो एक्स वन इनपुट देने पे इस ग्राफ का आउटपुट क्या होगा, लोग एक्स वन बेस 2, पर एक्स टू इनपुट देने पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, लोग एक्स टू बेस 2। अब एक्स वन से ग्रेटर था कौन, एक्स टू, और एक्स टू बड़ा है या एक्स वन बड़ा है, लोग एक्स वन बड़ा है या लोग एक्स टू बड़ा, देखते हैं अभी। ये लो, लोग एक्स टू ग्रेटर है किससे, एक्स वन से। इसका मतलब यहां से यहां आने पे आपको लोग ऑपरेट करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना पड़ा, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, इसीलिए चेंज करना नहीं पड़ा, है ना। तो अगर ग्राफ डिक्रीजिंग होता है तो चेंज करना पड़ता है, और ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होता चेंज नहीं करना पड़ता, तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग इन नेचर। तो अब कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं इसी पे, जिसमें हमें यह देखना है कि लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हमें उसका डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लोग का जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड द बेस इज एक्स, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये कब डिफाइन होता है, पहली कंडीशन जब इसका आर्ग्यूमेंट जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन जो इसका बेस है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तीसरी कंडीशन जो इसका बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन लगती है तब जाके एक लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होता है। तो तीनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड देन इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने ब्रेक किया, फैक्टर क्या होते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये लो जी। हाँ, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कौन कौन से, माइनस 2 एंड प्लस 2, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला रीजन। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर। सेकेंड कंडीशन डायरेक्टली बोल रही है एक्स ग्रेटर देन 0, और थर्ड बोल रही है कि एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो जो हमारा डोमेन आएगा, जिसको मैं डिनोट करता हूँ डी ऑफ एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन विच इज कंडीशन 1 इंटरसेक्शन कंडीशन 2 इंटरसेक्शन कंडीशन 3, तीनों का जो इंटरसेक्शन जो मिलेगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो क्या मिलेगा तीनों इंटरसेक्शन से, एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, ये आपका क्या आ गया, इस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप ऑप्शन के तौर पे क्या दे सकते थे इसमें, ऑप्शन ए अपना एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 2 टू इंफिनिटी, जो कि गलत है, ऑप्शन बी आप करेक्ट वाला रख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ओपन 2 टू इंफिनिटी। ऑप्शन सी में क्या रख सकते थे आप, एक्स बिलोंग्स टू आप ऐसे भी रख सकते हो ना कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये रख दो, ऑप्शन डी में नन कर दो, ये लो। तो आप इस तरीके से इसमें ऑप्शन भी पुट कर सकते थे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब एक फिर नया क्वेश्चन इस पे डिजाइन करते हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि और फंक्शंस के कैसे डोमेन बनाए जा सकते हैं। जैसे लेट सपोज फंक्शन इज, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, यानी कुछ भी, मतलब आर्ग्यूमेंट में कुछ लिखो और बेस में कुछ लिखो, ठीक है, हमें लास्ट में फंक्शन को डिफाइन करना है। लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 रखा, इनटू मैं लिख देता हूं, चलो लो इनटू एक्स, और बेस में अपना है माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, मतलब अब इसका डोमेन निकालना है। तो ये डिफाइन कब होगा, पहली बार जब इसका आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, तो आर्ग्यूमेंट क्या है, ये ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन,
इसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज, इसका जो बेस है वो वन नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है बेटे। तो फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करो, क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट मिले लिखे हुए पड़े, जीरो और वन, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला रीजन देख लो, माइनस इनफिनिटी से लेके जीरो तक, यूनियन वन से लेके इनफिनिटी तक। और सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसको आप क्या करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बाई टू क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड, पर एक्स लेस देन जीरो। और यहां से क्या मिलेगा आपको, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू। तो ये तीनों कंडीशन का आप इंटरसेक्शन ले लो, वही आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, तीनों कंडीशन में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये बोलता है लेस देन जीरो, ये बोल रहा है माइनस टू नहीं होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि एक्स यहां से यहां होना चाहिए। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, बट एक वैल्यू एक्सक्लूड करनी है इसमें से, कौन सी, दैट इज माइनस टू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। तो और भी ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन इस पे क्रिएट कर सकते हो डोमेन पे। लाइक हम और एग्जांपल जगह देखें, इस पे y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया log of x स्क्वायर माइनस 5 log x प्लस 6, ये भी एक डोमेन का फंक्शन बन गया, ये भी एक डोमेन का क्वेश्चन बन गया। इसका डोमेन निकालो, कैसे निकालना है, जो इसका आर्ग्यूमेंट है उसको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन लगा सकते हो। और फंक्शन पे, और डोमेन पे क्वेश्चन कैसे बनाए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस टू प्लस लॉग ऑफ, आगे कुछ भी आर्ग्यूमेंट में लिख दो, अब की बार रेशनल फंक्शन लिख दो कोई, ये लो रेशनल फंक्शन लिख दिया, और बेस में मैंने फिर कोई रेशनल फंक्शन लिख दिया, बेस में भी x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, ये लो। तो अब की बार कंडीशन क्या लगेगी इसको सोल्व करने के लिए, पहली बात x माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन, जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा है। तीसरी बात, जो लॉग का बेस है वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन, लॉग का जो बेस है वो वन नहीं होना चाहिए। तो चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और नया क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो, ये लो, अब ऐसे लिख दो लॉग ऑफ, लॉग के अंदर अब की बार आप ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डाल दो, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू, और बेस में आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो इस फंक्शन का आप डोमेन निकालना, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन निकालने पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस एक क्वेश्चन को पोस्ट कैसे करा जाए सुक्ष्माज के प्लेटफॉर्म पे। तो क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप सुखसमाज की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहां पर आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, एंड प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे, लाइक वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज। तो आपको इस पे जाना है, एमसीक्यूज पे। तो जो ही आप एमसीक्यूज पे जाओगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक बटन दिखाई देगा पोस्ट एमसीक्यूज का, तो आपको उस पर क्लिक करना, एंड देन इस टाइप का विंडो आपके सामने अपियर होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें यहां पर आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने क्वेश्चन टाइप किया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड जो आगे फंक्शन लिखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, मैंने किसकी हेल्प से लिखा है, इसको आप यहां से एक्सपेंड करोगे, और यहां पर ऑप्शन है फंक्शंस का, ठीक है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, जिनमें से आपने कुछ एक ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जो कि आपके इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको यहाँ टाइप हो जाएंगे। और वो टाइप होने के बाद, जैसे लेट सपोज मैंने ये टाइप किया, ठीक है, इसके बाद में ये कैसा शो होगा, ऐसे यहाँ पर दिखाएगा, प्रीव्यू कैसे होगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन है, एंड देन इसके बाद में आपको करना है फिनिश एडिटिंग पे। तो ये आपका क्वेश्चन टाइप हो गया यहाँ पर। उसके बाद में टेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस एग्जाम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन किस एग्जाम से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस टाइप के सारे यहाँ टैग्स आपको लगाने हैं। जैसे मैंने यहाँ लगाया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ITJEE, NDA, जिस एग्जाम में ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है, कैलकुलस पार्ट का, फंक्शन पे, तो ये सारे टाइप टैग्स आपको बिल्कुल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ऑप्शन वन, अब इस क्वेश्चन के आपने चार ऑप्शन बनाए हैं, तो ऑप्शन वन कैसे टाइप करना है, जैसे इसको आपने एक्सपेंड किया ऐसे, देन फंक्शन पे गए, और यहां से कुछ सिंबल्स एंड फंक्शंस को यूज करते हुए आपने यहां पर फिर
टाइप करने के बाद में फिनिश एडिटिंग कर दिया, तो ये आपका ऑप्शन वन आपका टाइप हो गया। उसके बाद में सिमिलरली जैसे आपने क्वेश्चन टाइप किया ना, वैसे ऑप्शन वन टाइप होगा, वैसे ऑप्शन टू टाइप होगा, ऐसे आपके सारे ऑप्शन टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन आपने टाइप कर दिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर कौन सा चारों में से। जैसे इसमें ऑप्शन वन करेक्ट है तो मैंने ऑप्शन वन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपका सबसे नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट एमसीक्यू, लेकिन मेरे यहाँ दिखा रहा है अपडेट एमटीक्यू, अपडेट एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर रहा है, इसको पोस्ट कर रखा है ऑलरेडी, एंड मैं अभी इसको एडिट मोड में कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ये अपडेट एमसीक्यू आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सबमिट एमसीक्यू कर देना है। उसके बाद में आपको इस टाइप का विंडो अपीयर होगा, और देखो ये आपका यहाँ क्वेश्चन दिखने लग गया। वैसे आप ऐसे इस पे क्लिक करके देख सकते हो क्वेश्चन कैसा है, इसका आंसर आपने क्या सिलेक्ट करा है, और ये किस तरीके से शो हो रहा होगा किसी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन पोस्ट करना सीख गए, और एक क्वेश्चन पोस्ट करने के, एक एमसीक्यू पोस्ट करने के आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वो कहाँ देखोगे आप? आप बियॉन्ड नोइंग में जाओगे सबसे पहले। सबसे पहले प्रोफाइल पे जाओ, आप प्रोफाइल में देखोगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में या मिडल में क्या आ रहा है आपके पास ऑप्शन बियॉन्ड नोइंग का। ठीक है, आप बियॉन्ड नोइंग में जाओ, उसके बाद में आपके पास तीन ऑप्शन विजिबल होंगे, डिटेल, अटेंड क्विज एंड पॉइंट टेबल। तो आप पॉइंट टेबल पे जाओ, जिसमें आप अपने नाम के आगे यहाँ पर देख सकते हो, देखो मेरे यहाँ मुझे कितने पॉइंट मिले हैं, 10 पॉइंट्स, जो मैंने अभी क्वेश्चन पोस्ट किया था मुझे उसके 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं विनर बनाने में, और एक दिन जो जिसका कट ऑफ होता है, जो क्राइटेरिया होता है विनिंग का, वो रहता है एक दिन तो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे होता है, और एक दिन होता है आपका पॉइंट बेसिस पे। ठीक है, तो रिजल्ट जो होता है वो डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पे अनाउंस होता है, और जिसको रिजल्ट विनर होता है उसको रिवार्ड्स भी मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो गाइज मेरे इस लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, क्या रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुक्ष्मज ब्रॉट टू यू ए सेल्फ लर्निंग गेम विच इज बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें आपको क्या करना रहता है, सेल्फ मेड एमसीक्यूज एंड एक आंसर पोस्ट करना रहता है, और कुछ रीड्स करने होते हैं, कुछ क्विज प्ले करने होते हैं, क्विज प्ले करने के भी आपको पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये चार एक्टिविटीज परफॉर्म करके आपको डेली लर्निंग का जो आपका डोज होता है वो पूरा हो जाता है। सो गाइज वी विल एंड अप आवर टूडे सेशन हियर, टू गेट माई क्वेश्चन एंड नोट्स फॉलो मी ऑन सुक्ष्माज, दिस विल अलाउ मी टू सी योर वर्जन ऑफ द क्वेश्चन देयर, गेट माई प्रोफाइल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड एक और चीज, क्या ज्वाइनिंग सुक्ष्माज इज कंप्लीटली फ्री, सो बिगिन ए प्योर सोशल मीडिया लर्निंग टूडे इटसेल्फ। और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग गेम एंड सब्सक्राइब यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज MAHA21748, टू प्ले अंडर माई ग्रुप एंड टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। थैंक यू।